गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा एंड यू आर डूइंग योर स्टडीज वेरी वेल। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। अब आगे की इन्फेक्शियस डिजीज को कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट डिजीज क्या है बेटा? अमीबाइसिस। क्या है? अमीबाइसिस। अमीबाइसिस को कौन कॉज करता है बेटा? एक अमीबा, ठीक है। और अमीबा भी क्या है? प्रोटोजोआ। सो इट इज अ प्रोटोजोनल इन्फेक्शन। यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे मलेरिया को कौन सा प्रोटोजोआ कॉज कर रहा था बेटा? प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ऐसे ही यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है वो कौन सा है? इट इज अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा हिस्टो लिटिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्रोटोजोआ दैट कॉज अमीबाइसिस। अमीबाइसिस किस डिजीज को बोलते हैं बेटा? अमीबिक डाइसेंट्री। डाइसेंट्री में क्या होता है? डाइसेंट्री में बेटा डायरिया होता है, ठीक है। डायरिया मीन्स लूज मोशन। डायरिया क्या होते हैं? लूज मोशन। लेकिन डाइसेंट्री में क्या होता है? जो लूज मोशन होते हैं या जो फीकस रिलीज करता है कोई भी बंदा, जो फीसिस रिलीज करता है, इसके साथ मिक्स होता है बहुत सारा ब्लड, ठीक है। क्या रिलीज होएगा? ब्लड प्लस म्यूकस। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? डायसेंट्री। मीन्स डायरिया में क्या रिलीज हो? ब्लड प्लस म्यूकस। डायरिया मीन्स लूज मोशन। वो बंदा जो फीकस रिलीज करेगा उसमें बहुत सारा ब्लड और म्यूकस रिलीज होता है, दैट इज अमीबिक डायसेंट्री। अब ये किसकी वजह से होती है? जो प्रोटोजोआ है वो अंदर घुस जाता है वो हमारी इंटेस्टाइन में। और कौन से इंटेस्टाइन में एंट्री करता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे जाता है ये? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके जब आपके इंटेस्टाइन में रहेगा तो क्या होंगे? आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स है क्या क्या आ जाएगा बेटा? एब्डोमिनल पेन, ठीक है। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो एब्डोमिनल पेन, डायरिया होगा, लूज मोशंस होंगे और विद पेन होगा सब कुछ। इट मींस स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। अब ये फैलता कैसे है? जो पर्सन फीकस रिलीज कर रहा है, मान लो कोई खुले में शौच करता है, ठीक है, जैसे पहले मोस्ट इंडिया में होता था, खुले में शौच करते हैं, तो एक मॉस्किटो होता है, सॉरी मॉस्किटो नहीं, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई उस फीकस में बैठे हैं, वो हाउस फ्लाई फिर उसको दूसरे प्लेसेस तक ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। मींस एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो ये डिजीज ट्रांसफर होएगी किसके थ्रू होएगी बेटा? फीकस के थ्रू ट्रांसफर होएगी, ठीक है। वो फीकस किसी फूड प्रोडक्ट, जो हाउस फ्लाई है फीकस पे बैठने के बाद किसी फूड प्रोडक्ट के ऊपर बैठ गई, उसको टच कर दिया तो वहां पे ट्रांसफर हो गई। मीन्स कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू ये डिजीज आगे फैलती है हेल्दी पीपल्स के लिए। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो गया बेटा? कंटामिनेटेड फूड और वाटर। तो नेक्स्ट डिजीज है बेटा, अब पढ़ेंगे, ये तो प्रोटोजोनल डिजीज हो गई। हमने दो बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी थी बेटा, टाइफॉइड और निमोनिया, देन एक वायरल कॉमन कोल्ड, देन हमने प्रोटोजोनल इन्फेक्शन को देखा, मलेरिया एंड अमीबियोसिस। अब नेक्स्ट आती है कौन सी बेटा? वॉर्म्स के इन्फेक्शन। वॉर्म्स इन्फेक्शन, दो वॉर्म्स के इन्फेक्शन पढ़ने हैं हमें। एक तो कौन सा? एस्केरियसिस, ठीक है। और दूसरा कौन सा पढ़ना है बेटा हमने? फिलेरियसिस, या इसको बोलते हैं एलिफेंटियसिस। पहले डिस्कस करते हैं बेटा किसको? एस्केरियसिस को। एस्केरिस नाम से ही पता चल रहा है, एस्केरिस क्या है? एक राउंड वॉर्म है। क्या होता है बेटा ये? इट इज अ राउंड वॉर्म। एस थेलमिंग्स में आते हैं, क्या है ये? दीज आर एस थेलमिंग्स। एस थेलमिंग्स क्या है? गंदे वाले वॉर्म्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इन्फेक्शन कहाँ पे कॉज करते हैं? हमारी इंटेस्टाइन में, गट के थ्रू जाते हैं और इंटेस्टाइन में। एक इंटेस्टाइन में जिसके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं ना, एक इंटेस्टाइन में कोई हजारों एस्केरिस मिलेंगे। मान लो ये इंटेस्टाइन है और इस इंटेस्टाइन को तोड़ के देखोगे जो इन्फेक्टेड पर्सन का होगा, तो उसके बंदे बहुत ऐसे थ्रेड लाइक ऐसे ऐसे आपको क्या मिलेंगे? एस्केरिस मिलेंगे। कहाँ पे बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिम्टम क्या होते
हैं बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग होएगी। क्या होती है? इंटरनल ब्लीडिंग होएगी, मसल्स में पेन होएगा। जो इंटेस्टाइन के पास मसल्स हैं उसमें क्या होता है, पेन में सिम्टम्स लिख देती हूँ उस डिजीज के, क्या होती है बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग। इतना घातक इन्फेक्शन, इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होती है, क्योंकि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली लेयर है ये उसको सक करते हैं, ऐसे खून चूसते हैं वहां से, ठीक है, उसके ऊपर फीड करते हैं वहां पे रह के, तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। मस्कुलर पेन होगा, मसल्स में पेन होता है बेटा बहुत ज्यादा। देन फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो ब्लड का लॉस होएगा, क्या हो जाएगा, अनीमिया, खून की कमी के कारण क्या हो जाएगा बेटा, अनीमिया। और ये जो फीकस है, ये फीकस जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसकी, ऐसे फीकस में क्या मिलेंगे आपको, वॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है। ये वॉर्म्स फिर किसके अंदर एंट्री करेगा, या तो फूड के अंदर या वाटर के अंदर, और उसको जब एक कोई हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेगा या खा लेगा, पी लेगा उस पानी को या फूड को, तो उसको भी क्या हो जाएगी ये डिजीज। तो इस तरीके से कंटामिनेंट वाटर के थ्रू, कंटामिनेंट सोयल के थ्रू, प्लांट के थ्रू, फूड के थ्रू, ये जो होम है हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर होता है, वेजिटेबल्स के थ्रू, फूड्स के थ्रू, जहां पे भी इस पानी को कंज्यूम किया जाए, या फैला कहाँ से, फीकस से। तो एस्कैरिस राउंड होम, एस्की हेलमिंस है ये, ठीक है। एस्कैरियस इस डिजीज कोज करते हैं, इन्फेक्शन कहाँ पे करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिम्टम्स क्या क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, अनीमिया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इन्फेक्टेड फूड, वाटर, वेजिटेबल्स, जहाँ पे भी मतलब ये पहुँच जाता है। देन आता है फिलेरियसिस बेटा, या एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस को हाथी पाँव डिजीज बोलती है। कई बार देखा होगा कि कुछ बंदों के ऐसे पैर, एक पैर इतना बड़ा हाथी के जैसा हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, एक राउंड वर्म है बेटा, जिसको क्या नाम है, राउंड वर्म है, वो है बुचेरिया, ठीक है, बैंक्रॉफ्टी, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या बुचेरिया मलाई, बुचेरिया मलाई, ये दोनों ही वर्म्स क्या कॉज करते हैं बेटा, फिलेरियसिस कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे, फिलेरियसिस। ये करते क्या है, ये कहाँ पे, जैसे एस्केरिस स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कोज करता है ना, वो चेरिया किसमें एंटर कर देता है, हमारे लिम्फैटिक सिस्टम में, लिम्फैटिक सिस्टम मीन्स लिम्फ में, और लिम्फैटिक सिस्टम में ये कहाँ पे जाके रहना स्टार्ट कर देता है, लिम्फ नोड्स में। और जहाँ पे ये जाके रहने लग जाएगा वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब जो टिश्यू है वो एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैसे होती है बेटा, जो लंबे समय तक चली, ये ठीक नहीं होती, जब वो शायद पूरी लाइफ उसके साथ सर्वाइव करता है अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो। और लिम्फेटिक वेसल्स भी कौन सी, लोअर लिम्स की, पैरों वाले, इसीलिए पैर में इन्फेक्शन होता है। देन ये पैथोजन हेल्दी पर्सन को कैसे फैलेगा, ठीक है, ये अब देखो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है, मीन्स ब्लड में भी एंट्री करेगा, तो एक मॉस्किटो होता है बेटा, कौन, एक मॉस्किटो यहाँ पे जब बाइट करेगा और ये फिर किसी हेल्दी पर्सन को कट कर लेता है, तो इस तरीके से ये डिजीज को स्प्रेड करता है। इज इट क्लियर टू यू। ये थे बेटा आपके वॉर्म्स के इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट इन्फेक्शन है फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट कौन से है बेटा, फंगल इन्फेक्शन, जो फंगी की वजह से होगी। अब देखो फंगी बेटा कहाँ पे ग्रो करना पसंद करती है, फंगी को ग्रो करने के लिए चाहिए वॉर्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट। कैसे एनवायरनमेंट चाहिए, वॉर्म और ह्यूमिड, मींस थोड़ा सा टेम्परेचर भी ज्यादा हो और जहां पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो। तो वो पोर्शन कहाँ पे मिलेंगे आपको, आपकी हाथों की उंगलियों के बीच में, पैरों की उंगलियों के बीच में, ठीक है, आपके जहाँ पे ये वाला पोर्शन जहाँ पे ऐसे कोहनी टच होती है, दिस वन, ठीक है, आपके जहाँ पे थाइज और लेग्स टच करते हैं वो पोर्शन, अंडर द आर्म्स, ऐसे पोर्शन जहाँ पे वार्मनेस भी हो और ह्यूमिडिटी हो, वहाँ पे कौन उग जाती है बेटा, फंगी, ठीक है। और फंगी हमेशा स्किन के इन्फेक्शन कोज करती है, स्किन में एलर्जीज कोज करती है, स्किन इन्फेक्शन, जिससे आपको क्या होती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, पेन होता है वहाँ पे, रिंग वॉर्म्स, जितने भी रिंग वॉर्म है ना,
रिंगवर्म क्या है, ऐसे ऐसे दाग बन जाते हैं लाइक दिस जगह पे, उसको वो किस क्या होता है बेटा, फंगल इन्फेक्शन। और कौन कौन सी फंगी ऐसा करती हैं वो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं उन कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के। तो कौन कौन सी फंगी आएगी बेटा, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, देन ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। यहां लिख दूं बेटा एपिडर्मोफाइटॉन। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने से, ठीक है, उसके यूटेंसिल शेयर करने से, क्लॉथ शेयर करने से ये डिजीज स्प्रेड होती है। ठीक है, कौन कौन सी फंगल बेटा, एपिडर्मोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटॉन, ये सब कॉज करती है। देन अब हमने इन्फेक्शियस डिजीज को तो देख लिया, फंगल बैक्टीरियल सबको पढ़ लिया, अब इनको रोकेंगे कैसे, प्रिवेंशन के क्या क्या मेथड है बेटा। सो नेक्स्ट क्या आता है, मेथड ऑफ प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के क्या मेथड है बेटा, रोकने के क्या मेथड है, सबसे मेन चीज पर्सनल एंड पब्लिक, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। ठीक है, खुद की भी हाइजीन कंडीशन मेंटेन करके रखो, खुद की साफ सफाई रखो और अपने एनवायरनमेंट की रखो। पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आएगा, आपकी हेल्दी हैबिट्स में, आप टाइम पर उठते हो, टाइम पर खाते हो, सोते हो, बैलेंस डाइट लेते हो, दिस इज योर पर्सनल हाइजीन। आप टाइम पे नहाते धोते हो, दिस इज योर पर्सनल हाइजीन। साफ सफाई रखने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आपकी बॉडी की साफ सफाई, इसमें आपकी लाइफस्टाइल आएगा, आपका ईटिंग हैबिटेट आएगा, आपकी बैलेंस डाइट आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आप योगा एक्सरसाइज कितने करते हो, दैट विल अफेक्ट योर बॉडी। ठीक है, तो पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, अपने एनवायरनमेंट की साफ सफाई। एनवायरनमेंट की साफ सफाई में क्या है कि जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है क्या वो पानी के टैंक प्रॉपर सप्लाई हो, जो प्रॉपर उनमें मीन्स क्लोरिनेशन वगैरह वो पानी को साफ किया जाता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ओपन है या कवर्ड है, अगर कवर्ड है तो उसमें टाइम टू टाइम सफाई होती है नहीं, ताकि वहाँ पे मॉस्किटोज वगैरह ग्रो ना करें। ठीक है, और आपके आपके आसपास कोई पॉन्ड है तो उसमें उसको पोल्यूटेड ना करो, ताकि वहाँ पे ब्रीडिंग प्लेसेस ना हो मॉस्किटोज के लिए और फ्लाइज के लिए। आपके जो घर के चारों तरफ जो गलियां मोहल्ले हैं वो साफ साफ होते हैं नहीं, वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा मत करो, खुले में कूड़ा मत फेंको। अब देखो जितना कूड़ा कचरा इकट्ठा करोगे उतने ज़्यादा वहाँ पे मॉस्किटोज और फ्लाइज वगैरह ग्रो करते हैं बेटा। ठीक है, तो दिस कम्स अंडर द पर्सनल हाइजीन। जितने भी एयरबोर्न इन्फेक्शन है जो हवा के थ्रू होते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, उनको कैसे रोक सकते हो आप, कैसे रोकोगे बेटा, कि आप डायरेक्टली उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से बचो। आप आज के टाइम में जैसे मास्क का यूज़ किया जा रहा है उसको यूज करो, जैसे मलेरिया हो गया, फाइलेरिसिस हो गया, वो किसके थ्रू फैल रहे हैं, वैक्टर के थ्रू फैल रहे हैं, किसके थ्रू, वैक्टर के थ्रू। कोई मॉस्किटो है उन्हें फैलाने वाला, अगर मैं किसकी बात करूँ फाइलेरिसिस की, और इसके अमीबियोसिस की बात करूँ तो क्या है, हाउस फ्लाई। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि वो इन वैक्टर्स को ही ख़त्म कर दें। इनको ख़त्म करने का मेथड क्या है कि एक तो इंसेक्टिसाइड्स डाले जाएं, स्प्रे किए जाएं, ये मर जाएं। दूसरा मेथड क्या है कि भाई समर्स टाइम में जब ये मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं रेनी सीजन्स वगैरह में, तब मॉस्किटो नेट का यूज़ करो अपने घर में। देन ऐसी फिश ग्रो करो जो मॉस्किटो के लार, जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, ऐसी फिश यूज़ करो जो पॉन्ड्स के, जो पॉन्ड्स में जो मच्छर होते हैं मॉस्किटो होते हैं उसके लार्वे को ही खा जाए। ठीक है, ऐसी फिश करो जो किसको ईट करती हो, किसको खाती हो, लार्वे को। उसका एग्जाम्पल है गैम्बेसिया। आपसे आपके CBSE एग्जाम में या नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, कौन सी फिश, गैम्बेसिया, ये क्या करती है बेटा, ये मच्छर को लार्वल फॉर्म में ही खा जाती है। उसके अलावा डोर्स और विंडोज को टाइम टू टाइम क्लीन करो, और डोर्स और विंडोज पे क्या है, नेट्स लगे हुए होना चाहिए ताकि मच्छर इजीली ना आए। तो जितनी भी वेक्टर बोर्न डिजीज हैं जो मच्छर मक्खियों की वजह से होती हैं बेटा, उनको इस तरीके से आप रोक सकते हो। जैसे डेंगू को कौन स्प्रेड करता है, डेंगू, डेंगू के लिए कौन सा मच्छर है बेटा, मलेरिया के लिए कौन सा है, फीमेल एनोफिलीज, यहाँ पे कौन सा होता है, एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी। ठीक है, डेंगू के लिए। और एक डिजीज होती है चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए भी यही मच्छर है जो स्प्रेड करता है डिजीज को। और
आजकल बायोलॉजिकल साइंस में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि हम बहुत सारे डिजीज को वैक्सीनेशन की मदद से रोक चुके हैं। किसकी मदद से? वैक्सीनेशन की हेल्प से हम उसको रोक चुके हैं। वैक्सीन क्या करती है? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बना देती है उस पार्टिकुलर पैथोजन के लिए। लाइक पोलियो बिल्कुल खत्म हो चुका है, स्मॉल पॉक्स बिल्कुल खत्म हो चुका है, डिप्थीरिया, टेटनस, इन सब के लिए भी क्या की जाती है? वैक्सीनेशन की जाती है। बाकी बायोटेक्नोलॉजी एक नई ब्रांच है बायो की, जो नई ड्रग्स वगैरह बना रही है या ऐसी एंटीबायोटिक बना रही है जो इन आपके बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से आपको लड़ने में सक्षम बना सके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द टॉपिक इम्यूनिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको समझ आया है देन यू कैन लाइक द वीडियो, नहीं आता है तो मत करो। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर दिया करो बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।